हाय गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यताएं क्या क्या है और उन्होंने वो मंत्री मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको दे सकते हैं और जो मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ थी उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम राज्य मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य जो मंत्री परिषद है वो क्या है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। हम बात करें अनुच्छेद 164 की, तो अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करेगा। क्या कहा गया है कि राज्यपाल है मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करेगा। अब इसकी नियुक्ति की बात की जाए, मंत्रियों की जो नियुक्ति है उनकी बात की जाए, तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी और किसकी सलाह पर की जाएगी? मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और जो मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी मंत्रियों को हटाया जा सकता है या फिर जो अगली विधानसभा आती है उन विधानसभा तक जो मंत्री पद बना रहता है उसी पर वो पद, जब तक अन्य मंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो उसी पद पर बना रहता है। आगे हम बात करें कि कुछ राज्यों के लिए कुछ अलग से नियम है कि वहाँ पर जो जनजातीय मंत्री हैं उनको नियुक्त करना अनिवार्य है। वो राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी है वहाँ पर जनजातीय जो मंत्री है उनको नियुक्त करना अनिवार्य होता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 164 की फर्स्ट कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होती है मंत्री परिषद में अधिकतम जो सदस्य और न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए इसके लिए अलग से संशोधन करके एक कानून जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन था? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद में अधिकतम जो सदस्य होंगे वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% होंगे और न्यूनतम होंगे 12 सदस्य मंत्री होते हैं। विधानसभा में कुल कितने, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल सदस्य कितने हैं? 200 है, तो 200 का 15% जो अधिकतम सदस्य होंगे 200 का 15% होता है 30 सदस्य। तो राजस्थान की विधानसभा में अधिकतम सदस्य होंगे 30 और न्यूनतम सदस्य होंगे 12। न्यूनतम सदस्य के बारे में राजस्थान की आरएस जो 2018 एग्जाम थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पीरी का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूनतम विधानसभा मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि 12, न्यूनतम 12 सदस्य होते हैं राजस्थान में और अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, 15% हैं जो। आगे हम बात करें कि दल बदल के आधार पर अयोग्य जिस व्यक्ति को घोषित कर दिया जाता है उन्हें पुनः निर्वाचित होकर नहीं आएगा तब तक उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दल बदल क्या है कि दल बदल को है वो अनुसूची 10 के अंदर जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत कि जो अन्य दल का जो सदस्य होता है वो अपना दल बदल लेता है तो उसे दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और जब तक वह दोबारा से निर्वाचित नहीं हो जाता उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जो मंत्री परिषद होता है
होती है, तो उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो विधानसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व होता है। वो जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में किसके प्रति रहते हैं, राज्यपाल के प्रति उनका उत्तरदायित्व रहता है। यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक मंत्री बन सकता है, और उसे मंत्री बने रहने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। आगे हम बात करें इनके वेतन और भत्तों की, तो जो मंत्री हैं उनके वेतन एवं भत्ते को निर्धारित करता है, विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 163 के तीसरे भाग की, तो उसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है, कि जो विधिक उत्तरदायित्व है वो क्या है। तो मंत्री की जो भूमिका को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये उसका विधिक उत्तरदायित्व होता है। कि अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि जो मंत्री है, मंत्री की भूमिका को लेकर न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। मंत्री परिषद है वो किससे मिलकर बनी होती है, मंत्री परिषद है वो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री से मिलकर बनता है। ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद में कौन कौन से सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उपमंत्री से मिलकर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। आगे हम मंत्री परिषद की बात करें कि जो मंत्री परिषद है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं या कौन कौन से होते हैं, मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है जो एक मंत्रिमंडल है, राज्य मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार और अधीनस्थ। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, तो स्वतंत्र प्रभार होता है, एक अधीनस्थ होता है, और चौथा है उपमंत्री। उपमंत्री इसलिए बनाया जाता है कि जो नए कैंडिडेट चुनकर जाते हैं तो उसको कार्य के लिए अनुभव हो जाए, इसीलिए उसको उपमंत्री के रूप में रखा जाता है, ताकि वह आगे उसको अनुभव हो जाए। आगे हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं कौन कौन, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है और राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री कौन सा होता है, ध्यान रखना है राज्य मंत्री होता है वो होता है स्वतंत्र प्रभार, जो राज्य मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। आगे हम बात करें कि संसदीय सचिव का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया है, जो संसदीय जो सचिव होते हैं उनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। आगे हम बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, तो बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिपरिषद क्या होती है कि मंत्रिमंडल इसका भाग होता है, मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल भाग होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुख्यमंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री आता है और राज्य मंत्री आता है, किसके अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर, इसी कारण ये मंत्रिपरिषद का भाग हो गई। लेकिन मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर उपमंत्री भी आते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं अधीनस्थ वो भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये इसके अंदर मंत्रिपरिषद के अंदर अनिवार्य है। तो और जो मंत्रिमंडल है इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसके अंदर निर्धारित नहीं किया गया है। आगे हम बात करें इसकी, जो मंत्रिपरिषद है इसकी बैठक 3 माह में 1 बार होती है, और जबकि मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक सप्ताह में
एक बार होती है। ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक 3 माह में एक बार होती है, जबकि मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो सप्ताह में एक बार होती है। निर्णय की औपचारिकता निभाते हैं मंत्रिपरिषद है, जो भी निर्णय होगा उसकी औपचारिकता निभाते हैं, और जो मंत्रिमंडल होते हैं वो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वो वास्तविक निर्णय लेते हैं। निर्णय की औपचारिकता निभाते हैं मतलब ऐसे है कि जो भी नियम या जो भी योजना है या कानून है उसके प्रति उसका वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन जो भी वास्तविक निर्णय होगा वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा लिया जाएगा। धन्यवाद।